आज आपको कहानी सुनाते हैं देश के सबसे बड़े अरबपति रईस मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी अपनी लाइफ को रॉयल अंदाज से जीते हैं। हर मौके पर वो पार्टीज देते हैं और बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियां भी इन पार्टियों में आते हैं। मुकेश अंबानी के पास कई ऐसी महंगी चीज़ें हैं जो सिर्फ अमीर शख्स ही खरीद सकता है। देश के सबसे बड़े अमीर शख्स मुकेश अंबानी अब एशिया के भी सबसे बड़े रईस हैं। कुल मिलाकर इनकी संपत्ति जो बताई गई है वह बेहिसाब। कुल मिलाकर इनसे जुड़ी हुई कई चीजें हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं। मसलन ये जहां रहते हैं, जिस 26 मंजिली इमारत में ये रहते हैं, उसका नाम है एंटीलिया। देश के सबसे महंगे घरों में से एक एंटीलिया में मुकेश अंबानी रहते हैं। उनका ये घर मुंबई के अल्टा माउंट में स्थित है। 27 मंजिल की इमारत में वो रहते हैं और घर की साफ सफाई के लिए 600 नौकर जो हमेशा देखभाल करते हैं। इस घर में 168 कार खड़ी करने की जगह है और छत पर 3 हेलीपोर्ट भी मौजूद हैं। उनके घर में स्विमिंग पूल और स्पा रूम भी है। मुकेश अंबानी BMW 760 Li गाड़ी में ट्रेवल करते हैं जिसकी कीमत है 8,50,00,000। उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। इसमें बोर्ड, कॉन्फ्रेंस सेंटर, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन है। वो हर जगह इसी गाड़ी से घूमते हैं, चाहे बॉलीवुड हो या फिर क्रिकेट। नीता अंबानी का ये कहना है कि मैंने कोशिश की है कि मेरी बेटी का भी इंटरेस्ट डांस में जागे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वह 5 साल की थी तब डांस सीखने गई, लेकिन उसके बाद कभी नहीं गई। डांस मेरे लिए मेडिटेशन की तरह। कुल मिलाकर एशिया के सबसे बड़े अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की पत्नी और जानी मानी बिजनेस वुमन नीता अंबानी ने भी अपने जलवे बिखेर रखे हैं। उन्होंने हर जगह अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर हैं, IPL की टीम मुंबई इंडियंस की मालकिन हैं। नीता अंबानी के नाम पर भी बहुत सी उपलब्धियां हैं। 1963 को जन्मी नीता अंबानी आज देश की सबसे अमीर महिलाओं में से एक है। मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाली नीता अंबानी हमेशा से क्लासिकल डांसर बनना चाहती थी। आज पिछले दिनों उन्होंने अपना 55वां जन्मदिवस मनाया। नीता अंबानी अक्सर डांस करके अपना स्ट्रेस भी कम करती। नीता अंबानी के शौक भी बड़े दिलचस्प हैं। फोन से लेकर उनकी गाड़ियां तक लगभग हर चीज सुर्खियां बटोरती है। हाल ही में उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वे अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए स्विमिंग, डांसिंग और बच्चों के साथ समय बिताती हैं। उनका यह भी कहना है कि मैंने कोशिश की है कि मेरी बेटी भी डांस करें, हालांकि उसे जो अच्छा लगता है वह करती है। उनका यह भी कहना है कि हर महिला के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वह खुद के साथ समय बिता सके। पिछले साल ही रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख नीता अंबानी को फोर्स ने एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला कारोबारी घोषित किया था। अब कुछ दिलचस्प बातें अंबानी परिवार के बारे में। मुकेश अंबानी के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके जो ड्राइवर हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है। वीडियो में यह बताया गया है कि मुकेश अंबानी के घर का नौकर बनना भी इतना आसान नहीं है। बात ड्राइवर की हो तो आप सोच सकते हैं इसके लिए कितनी मेहनत जरूरी है। अंबानी का ड्राइवर बनने के लिए ड्राइवरों को कई परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। अंबानी का ड्राइवर बनने के लिए कंपनियों को ठेका दिया जाता है। इन कंपनियों के द्वारा ड्राइवर का पूर्ण प्रशिक्षण करने के बाद उन्हें सुनिश्चित करके यहाँ पर भेजा जाता है। उन पर निगाह भी रखी जाती है। मुकेश अंबानी अपने ड्राइवरों को बहुत अधिक वेतन देते हैं, जो लगभग 2,00,000 रुपए प्रति माह से भी अधिक है। अब सवाल इस बात का है कि 2,00,000 रुपए महीना सिर्फ ड्राइवर को ही वेतन मिल रहा है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी के काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।